हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दही फुल्की। दही फुल्की तो सभी को पसंद होती है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया सबसे पहले बेसन और हमने उसमें ऐड किया हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे एक बैटर बना लेंगे। बैटर हमारा ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा रनी हो, इतना हो कि हमारे पकौड़े आसानी से बन जाए। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और अपना अच्छा सा एक लम्स फ्री बैटर बना लेंगे, जिससे हमारे पकौड़े बनाने में बिल्कुल आसानी और ये अच्छे से कुक हो जाए। आप एक बार इस तरह दही फुल्की जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। अब हम लेंगे अपनी दही। दही हमारी गाढ़ी है, आप अपने अकॉर्डिंग दही को पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। मैं ज़्यादा पतली नहीं रखूँगी, मैं ज़्यादा गाढ़ी रखूँगी। तो मैंने दही में थोड़ा ऐड किया पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दही हमारी अच्छे से मिक्स हो गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली फ्लेक्स और हम उसके बाद ऐड करेंगे भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा वाइट सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया था, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए बैटर हमारा अच्छे से बन गया। चलिए अब हम अपने दही के पकौड़े बना लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है, देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने पकौड़े। आप अपने अकॉर्डिंग साइज में छोटे या बड़े बना सकते हैं, मैं मीडियम साइज से बना रही हूँ, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। तो देखिए पकौड़े हमारे सब अच्छे से डल गए हैं। अब हम इन्हें गोल्डन एंड क्रिस्पी होने तक अच्छे से अलट पलट कर फ्राई करेंगे। तो लीजिए पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने सारे पकौड़े अपने ऐसे ही गोल्डन फ्राई कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमने लिया एक बोल में पानी, अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने पकौड़े। आप इसको फ्राई करके 2 मिनट के लिए रेस्ट दें, उसके बाद पानी में ऐड करें, जिससे इसमें गुठलियाँ नहीं होती। तो हमने अपने पकौड़े पानी में ऐड कर दी। अब हम इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से सोक करेंगे, जिससे पकौड़े हमारे थोड़ा फूल जाएँ। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए। अब मैं पकौड़े को स्क्वीज करके आपको दिखा रही हूँ। आप इसी तरह से धीरे धीरे पकौड़े को स्क्वीज करें, जिसका उसका एक्स्ट्रा पानी अच्छे से निकल जाए। तो मैंने अपने पकौड़े से सारा पानी अच्छे से उन्हें दबा दबा कर निकाल लिया। आप हथेली की मदद से दबाएं, जिससे आपके पकौड़े बिल्कुल भी टूटे ना, एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो लीजिए पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी। अब हम इन्हें ऐड करेंगे अपने दही में, जिसमें हमने अपना मिक्सचर ऐड किया था। तो हम अपने पकौड़े को सारे पकौड़े को दही में ऐड कर देंगे और हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, उसके बाद आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। हम इन्हें अच्छे से दही में डिप करके रख देंगे। आप 5 से 6 मिनट या 10 मिनट भी रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो लीजिए पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी, आप भी बनाइए मेरे बताए गए मेथड से। आप मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर कि आपकी दही फुल्की कैसे बनी। बाय बाय।